उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन का केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। दोनों ही दलों की ओर से गठबंधन के पूरे संकेत स्पष्ट दिए गए हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार इस गठबंधन के तहत एनडीए के ओर से आरएलडी को 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट दिए जाने की चर्चा है। इसमें पश्चिमी यूपी की बागपत लोकसभा सीट भी शामिल है। बिजनौर सीट आरएलडी के खाते में जाने की चर्चा के बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर में बीएसपी के सांसद मलूक नागर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आरएलडी के दिल्ली स्थित दफ्तर की बताई जा रही है। बीएसपी सांसद आरएलडी विधायकों के बीच में खड़े नजर आ रहे हैं और उनके साथ कुछ बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अटकलें शुरू हो गई हैं। दरअसल सूत्रों के अनुसार आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन के लिए जयंत चौधरी की पार्टी को बागपत और बिजनौर सीट दी गई है। ऐसी स्थिति में अब आरएलडी में इन दोनों ही सीटों के लिए उम्मीदवारों और दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। बीएसपी सांसद की ये तस्वीर ने इन्हीं अटकलों को हवा दी है। जानकारों की माने तो मलूक नागर अब बागपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बीएसपी सांसद मलूक नागर किस वजह से वहां पहुंचे थे, लेकिन सूत्रों की माने तो उनकी अभी जयंत चौधरी से मुलाकात नहीं हुई है। गौरतलब है कि मलूक नागर बीते चुनाव में बीएसपी के टिकट पर बिजनौर से लोकसभा चुनाव जीते थे। तब बीएसपी का समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन था। हालांकि इससे पहले इसी सीट पर 2014 में लोकसभा चुनाव मलूक नागर हार गए थे।